हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे डेली करंट अफेयर के सेशंस रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर रहे होंगे। जीके क्विज के जो हम आपके लिए 4 बजे के सेशन लेकर आ रहे हैं, आप उन्हें भी रेगुलर फॉलो करते रहिए। ये स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन 2 मार्च 2023 के लिए। पहला क्वेश्चन लेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम लोगों ने टुकड़ों में डिवाइड करके 10-10 क्वेश्चन के सेट बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है। कुछ जो सन है वो आपको 2014-15 देखने को मिलेगा, तो करंट अफेयर के ये जो सेशन हैं उनको अलग रखिएगा, जो सुबह 8 बजे रिलीज़ होते हैं अपने, और जो शाम 4 बजे हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, SSC के हों, IBPS के हों, UPSC के हों। हम लोगों को जो डेटा मिलता है हम लोग वो डेटा के आप लोगों के पास बना कर ले आते हैं हफ्ते भर के लिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 5 राष्ट्र ब्रिक्स ने हाल ही में डॉलर की तरलता के साथ किसी भी समस्या के मामले में एक दूसरे की मदद करने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पूल बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पूल में भारत का योगदान कितना है? तो इसका अमाउंट है 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर। द 5 नेशन ब्रिक्स है रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू क्रिएट $100 बिलियन पूल ऑफ फॉरन एक्सचेंज रिजर्व्स टू हेल्प ईच अदर इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम विद डॉलर लिक्विडिटी। इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पूज वो है 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नासिक त्र्यंबकेश्वर समस्त कुंभ मेला हाल ही में किस नदी के तट पर आयोजित किया गया था? तो ये है गोदावरी। गोदावरी नदी के तट पर नासिक कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में हर 12 साल में आयोजित किया जाता है। इसे नासिक त्र्यंबकम कुंभ मेले के नाम से जाना जाता है। अगला मेला वर्ष 2027 में आयोजित किया जाएगा। लगभग विलुप्त हो चुके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हैंचिंग के लिए जाने जाने वाला रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अल्डियोटिस नाइग्रिस्पस राजस्थान का राज्य पक्षी है और भारत का सबसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी माना जाता है। ये घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है जो चरागाह पारिस्थितिकी का प्रतिनिधित्व करती है। तो रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान जो इंडियन ब्रस्टेड की हैंचिंग के लिए जाना जाता है, कौन से राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में एक लावारिस जमा वह है जिस पर कम से कम तो आपको बताना है कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र में एक लावारिस जमा वह है जिस पर कम से कम कितनी अवधि के लिए दावा नहीं किया गया हो। तो मतलब कितने टाइम तक अगर किसी पैसे या करेंसी को या किसी अकाउंट को अपन लेन देन नहीं करते हैं तो वो लावारिस जमा हो जाता है, तो कितने टाइम के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 10 साल। 10 साल तक अगर कोई पैसा या कोई डिपॉजिट अगर अपन उसको ना तो इनपुट ना आउटपुट लेते हैं तो वो लावारिस जमा हो जाता है। श्री प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में हैदराबाद में यूनिकी नामक पुस्तक की पहली प्रति प्राप्त की। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह श्रीमान चौधरी विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के राज्यपाल। उस वक्त जो ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो उस टाइम पे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे श्री सी विद्यासागर राव जी। राष्ट्रपति ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जी से पुस्तक प्राप्त की जिन्हें औपचारिक रूप से इसका विमोचन किया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आगामी कोलकाता स्थित बंधन बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? तो ये थे अशोक कुमार लाहिड़ी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा जब अब व्यापार वित्त में दुनिया की दूसरे सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा बन गई है? तो ये है चीनी रमनबी। नवगठित राज्य तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री हैं तो ये थे के चंद्रशेखर राव। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी। तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री कलवांकुतला चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव बने। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हें व्यावसायिक तकनीकी और कौशल विकास शिक्षा प्रदान करके जमीनी स्तर पर कुशल जनशक्ति तैयार करना है? तो वो है PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस कौशल प्रमाणन स्कीम का उद्देश्य उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका सुरक्षित करने में मदद करेगा। RBI ने हाल ही में श्री दीपक मोहंती की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति का उद्देश्य
डैश के लिए एक मध्यम स्तरीय औसत दर्जे की कार्य योजना तैयार करना है। तो ये है वित्तीय समावेशन। कैसा लगा आपको 2 मार्च 2023 का ये 4 बजे का सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कल सुबह 8 बजे का डेली करंट अफेयर का सेशन देखना ना भूलें, उसे रेगुलर फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने फ्रेंड्स, अपने सर्कल पे बोलिए, जो भी आपके यार दोस्त मित्र हैं, क्योंकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो एक अलग टाइप की मेहनत हो रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम आपको सुबह 10 बजे का जो वीडियो देते हैं, सुबह दस मिनट का जो वीडियो देते हैं, केवल आप लोगों को एक मेंटली अवेयर करने के लिए हम लोग आपके साथ अटैच होना जा रहे हैं। आपकी जो स्टडी, जो एजुकेशन आप लोग कर रहे हैं, वो आप करते रहिए, और हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको रेगुलर फॉलो करें, ताकि धीरे 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 आप लोगों को अपने खुद के कंपटीशन का लेवल, अपने खुद का जो कंपटीशन का स्तर है, वो पता लगे। ठीक है, मिलते हैं कल फिर एक नए सेशन के साथ। सुबह 8 बजे करंट अफेयर का सेशन, शाम 4 बजे जनरल नॉलेज क्विज का सेशन, और आपको मैं जैसा पहले बता चुका हूँ, होली से एक दिन पहले और होली के एक दिन बाद हम लोग हॉलीडे रखेंगे। आप लोग भी चीयर अप करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।